अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक सीरीज़ लेके चले थे जिसमें एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 आज आप लोगों के सामने अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, जिसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे दो अपोजिट फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर इससे पहले आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं विजिट किए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे 3 सवाल अटैम्प्ट मैंने लास्ट वीडियो में अटैम्प्ट करवा दिए थे, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ डी एक्स, तो यहाँ पे हम एक रूल वहाँ पे डिस्कस किया था आई लेट। इस रूल के मुताबिक अगर हम यहाँ पे चेक करें तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और एक दूसरा फंक्शन अरिथमेटिक है, तो नेचुरल लॉग को हमने प्रेफर करना है, फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है और एक्स स्क्वायर जो है इसको सेकंड फंक्शन का नाम देना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने उसकी एब्रीवेशन लिख दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप किस तरह अटेम्प्ट करते होते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को उसी तरह लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर है एक पावर ऐड कर दें एक्स 3/3, ये माइनस फार्मूले की सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है तो एक्स क्यूब ओवर 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/x डी ऑफ एक्स आ जाएगा, 1 टाइम जो एक्स है इसके साथ कैंसल आउट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ये जो एक्स क्यूब ओवर 3 है उसको स्टार्ट में लिख दिया माइनस के साथ, 1/3 कांस्टेंट था उसको स्टार्ट में लेके आ जाएं आप, रिमेनिंग जो है वो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। एक स्टेप आप मज़ीद भी इसके इंटीग्रेशन ले सकते हैं, हमारे पास एक्स क्यूब ओवर 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस के साथ 1/3 एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए बेस का डेरिवेटिव थोड़ी देर मतलब वो पहले भी डिस्कस किया था, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1 है, एक्स का डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव सामने आया तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी एक्स क्यूब ओवर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे प्लस के साथ जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो आप प्लस का क्या यूज़ कर देते होते हैं सी, तो यहाँ से आप इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर 3 को यहाँ से कॉन्स्टेंट जो है मतलब कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन निकालें, बाकी जो हमारे पास होगा वो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 5 बिल्कुल इसी से रिलेटेड पार्ट है जिसमें है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और यहाँ पे क्या आ जाता है डी ऑफ एक्स, एक्स की एक पावर उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अगेन नेचुरल लॉग को फर्स्ट का नाम देंगे, जो अरिथमेटिक फंक्शन है उसको सेकंड का नाम देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमने उसी तरह लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स 3 की जो इंटीग्रेशन है एक्स पावर 4/4 हो जाता है यानी एक पावर हम ऐड कर देंगे माइनस के साथ इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो अगेन हमारे पास एक्स पावर 4/4 एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे एक्स पावर 4/4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस के साथ 1 टाइम एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4, यहाँ से इंटीग्रेशन से आप स्टार्ट में लिख लेंगे तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा एक्स क्यूब और साथ आ जाएगा डी ऑफ एक्स, एक्स पावर 4/4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को उसी तरह लिखेंगे 1/4, एक्स पावर 3 है तो एक्स पावर 3 की जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्स 4/4 होती है यानी एक टर्म आप ऐड कर देंगे और वही बटे के नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे और प्लस के साथ क्या आ जाएगा सी, आप यहाँ पे भी एक्स पावर 4/4 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स पावर 4/4 नज़र आ रहा है, तो ऐसा करें कि एक्स पावर 4 यहाँ से कॉमन निकालें, बाकी रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और माइनस के साथ 1/4 और प्लस के साथ क्या आ जाएगा सी, तो ये हमारे पास जो अपना क्वेश्चन है उसका क्या होगा आंसर होगा। अगला पार्ट में आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह ही है कि वहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्स पावर 4 आ जाए 5 आ जाए जो भी होगा एक्स की जितनी भी पावर साथ लेके चले हम आई लेट रूल के मुताबिक उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो दो पार्ट थे इससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, खुश रहें खुशियाँ बांटें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।